गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है डेट 29 जुलाई। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11 कक्षा 10वीं। आज का हमारा विषय क्या है, टॉपिक क्या है, दो चर वाले, दो वेरिएबल वाले रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन के जो युग्म है उनको हल करना है। बीजीय विधि कौन सी है, विलोपन विधि। पिछली कक्षा में, पिछले लेक्चर में हमने कौन सी की थी, हमने की थी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि भाई अगर मान लो मैं एक फिल्म देख रहा था, फिल्म में एक बंदे को एक गैजेट मिला, एक मशीन मिली जिससे वो गायब हो सकता था, किसी को दिखाई नहीं देता, तो वो जो समाज से गायब जो भी बुराइयां हैं उनको गायब करना चाहता था। तो विलोपन का मतलब क्या होता है, गायब कर देना, ठीक है, खत्म कर देना। तो अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे इसको कि ये विधि क्या है, उसके बाद वर्कशीट में आएंगे जैसा कि हम करते हैं। मेरे पास 3x है तो मैं 3x को कैसे खत्म कर सकती हूँ, जब मेरे पास -3x होगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर 3y है और माइनस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको किस तरीके से खत्म कर सकती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे y दिया हुआ है तो मैं सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें आपको फिल करना है कि इनको जीरो किस तरीके से आप बनाओगे। आपको एलिमिनेशन मेथड समझने से पहले हमें क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ मैंने क्या किया था, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तब ये जीरो हुआ, तो ऐसा ही कुछ यूज होगा इस विलोपन और एलिमिनेशन मेथड में। तो चलिए बच्चों देखो, 3y - y = 0 पहले क्वेश्चन में, तो पहला तो हमारा हो गया, मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो हो गया। अब यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किल है, 4x + -x = 0। अब अगर यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 8x हो गया, ठीक है, जीरो नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब -4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -4 से मल्टीप्लाई किया जीरो बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है 2x और माइनस दिया हुआ है, तो अब तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो जीरो हो जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ है आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो जीरो हो जाएगा। ये हमारा हो गया, जो आपके बॉक्स में दिए हुए हैं वो सारे हो गए हैं हमारे क्वेश्चन। तो अभी देखो कि हमारे पास ना एलिमिनेशन मेथड सीखने के लिए वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है ये बाद में देखेंगे, मैं आपको पहले मेथड सिखा देती हूँ, ठीक है। वर्कशीट में से पढ़ूंगी आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उनको यूज करते हुए हमने जो चर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू निकाली थी। तो x - y = 1। अब हमें एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। एक तो अब हम इस पे प्रतिस्थापन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आज विलोपन या फिर एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। तो चलो बच्चों देखो, दूसरा मेथड आज हमारा क्या है, आपको क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों जैसे मैंने, हमने यहाँ पे एक को खत्म करने के लिए पहले एक वेरिएबल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये दोनों तो खत्म होंगे नहीं अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 4y और 4y में से 4y जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 4, ठीक है, या फिर समीकरण दो को 4 से गुणा करने पर किस तरीके से आएगा, कर लेते हैं यहाँ पे, ये 4x - 4y = 4 हो गया, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 4x - y * पूरी इक्वेशन, बराबर वाला चीज भी मल्टीप्लाई होती है जब हम पूरी इक्वेशन को करते हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब ये 4 इधर जाएगा, मतलब आप कहेंगे कि मैम ऐसे थोड़ा ना होता है, अब ये 4 उधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 है, अब ये 4 उधर जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा। तो अल्टीमेटली हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि क्यों पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब हमारे पास इक्वेशन तीसरी आ गई, अब हम क्या करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, 3x + 4y, ओके, एंड जो ये इक्वेशन है 4x - 4y क्या हो गया हमारा, इज इक्वल टू, क्या था ऊपर 10, यहाँ पे कितना था 4 था,
तो अब क्या करें, सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का 4y में से माइनस 4y जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे 0 को। 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे कर रही हूँ, x की वैल्यू कितनी होगी, 7x इज इक्वल टू 14 हो गई। अब मैं क्या करूँ, x ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 7 × 2 = 14, x इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू आ गई x की 2। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आते ही सेम वही वाला मेथड करना है, क्या करें, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब मान रख देते हैं, बाय पुटिंग लिख लेना, बाय पुटिंग मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग लिखना बाय पुटिंग वैल्यू, ठीक है, वैल्यू टू, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है। और कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम जो ये इक्वेशन है क्या हम किसी भी वेरिएबल को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप x को करना चाहे x को कर सकते हैं, y को करना चाहे y को कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, पहली इक्वेशन मैं रख रही हूँ सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की जगह क्या आ गया, 2 माइनस में y इज इक्वल टू 1, तो अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो गया, और ये 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 हो गया, तो अब क्या आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का आ गया, माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, 2, और वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। तो इस मेथड में हमने क्या किया है बच्चों, हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया और फिर हमने एक वेरिएबल को खत्म किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, विलोप कर दिया, ठीक है ना। जब वो खत्म हो गया तो दूसरे की वैल्यू आ गई, और दूसरे की जब वैल्यू, जब पहले की वैल्यू आई तो हमने दूसरे में पुट कर दी, तो ये हमारी है विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों चलो ठीक है, अभी क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन और करके देखते हैं, उससे हमारा क्या हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है हमारा बी पार्ट, इसको सॉल्व करके देखेंगे, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4, 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। तो देखो बच्चों, अब इन दोनों में से ही कोई भी क्या है, आसपास लग नहीं रहा है कि भाई किसी का भी कोफिशियंट 1 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है गुणांक, किसी का भी 1 नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप कोई भी एक ले लो, क्योंकि साइन भी देखो पिछले में मैंने क्या कहा था कि प्लस माइनस देख लो अपने आप कट जाएगा, तो एक इसके भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो अब तो हमें पहली जो भी इक्वेशन आएगी हमारी थर्ड वाली उसको माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो एक तरीका तो ये है कि मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, पूरी को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये दोनों 10 बन जाएंगे, इसको 2 से और इसको किससे, 5 से, तो पूरी इक्वेशन यहाँ दोनों जगह 10 आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका जो आसान है वो हम एक बार देख लेते हैं कैसे। देखो क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो इसको 9 बनाना आसान है। अगर मैं इस पहले वाली पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, तो क्या आएगा, चलो देखते हैं, हमारा 3 से गुणा होगा, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4 × 3, दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो ये कैसे बन जाएगी, ये भी इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया, 9y माइनस 15z इज इक्वल टू 12 आ गया। तो ये होगी हमारी इक्वेशन, कौन सी होगी हमारी इक्वेशन, ये हो गई 3, ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, इक्वेशन 3 में से, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब भी हम माइनस करते हैं, जब भी माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या 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 होता है, साइन बदल जाते हैं, जो सिंबल्स होते हैं वो बदल जाते हैं। तो अभी करेंगे इसको इक्वेशन को, 3 थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 9y माइनस 15z इज इक्वल टू 12, तो ऊपर से कौन सी, 2, 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7, तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, घटा रही हूँ, तो यहाँ पे माइनस आएगा, अब घटा रही हूँ तो जब भी अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, अब ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 9y माइनस 15z इज इक्वल टू 12, माइनस का 9y प्लस का 2z इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 7 है, सॉरी यहाँ 7 है, ठीक है, ये हो जाएगा 7 यहाँ पे।
अब माइनस यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि जब माइनस यहाँ भी आएगा इसके पास भी जाएगा, तो माइनस भी एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्लस था तो ये दोनों कट गए। अब 15 में से 2 जेड जाएंगे तो क्या आएगा, 13, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, ठीक है ना। तो अब ये भी यहाँ पे भी माइनस था, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 आएगा। अब हमारा क्या आ गया, ये 13 जेड इज इक्वल टू माइनस का 13 जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/13 -13, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा जेड आ गया। अब एक वेरिएबल की वैल्यू जब आ जाती है तो हम उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अब हम पहली इक्वेशन में इसका मान रख देते हैं, ठीक है, बाय पुटिंग, पहली जो समीकरण है हमारा, पहला समीकरण है उसमें इसका मान रख देते हैं, पहले समीकरण में बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी रखेंगे, जेड की, ठीक है। तो क्या करें, 3y माइनस में 5, जेड की जगह में क्या लिख रही हूँ, 5 माइनस का है सिंबल। ये ध्यान रखना, सिंबल्स जो है, साइन जो है, वो आपको बहुत ध्यान रखने हैं, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक साइन गलत होते। जब मैं क्वेश्चन चेक करती हूँ ना बच्चों के, उनको मेथड भी आता होता है, सब कुछ आता होता है, लेकिन गलती कहाँ कर देते हैं, जब साइन बदलते हैं, ठीक है। साइन -5 -5 क्या हो गया, 25, और माइनस जब गुणा होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 25/13 हो गया इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 -25/13। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 की टेबल में 13 कहाँ पे आता है, 13 पे, और जितने पे आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 13 -25/13, ठीक है। एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है, कुछ बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, 13 × 52 25 / में ये हो गया 13, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे तो 27/13 आ गया हमारा। वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 जो है, जब एक मिनट में यहाँ नीचे ले जाती हूँ इसको, ओके, तो ये आया हमारा। अभी क्या करें, 3y = 27/13 हो गया, यही आई है ना वैल्यू यहाँ तक, अभी तक हमने यही किया है, तो y = 27/13। अब ये 3 भी तो यहाँ पे किसमें था, मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 × 3 = 27, y = 9/13, तो y की वैल्यू 13 आ गई, और साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, सॉरी z की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, z की वैल्यू आई थी 5/13, तो ये हमारा आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो अब हम देख लेते हैं कि जो विलोपन विधि है उसके स्टेप्स देख लेते हैं, क्या किया हमने, एक चर के गुणांकों को समान बनाने के लिए, जैसे हमारा यहाँ पे था इस वाले क्वेश्चन में, हमने अभी किया था पीछे वाले क्वेश्चन में, हमने क्या किया, 3y था और 9y था, तो मैंने इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है एक चर के गुणांकों को समान बनाने के लिए, बराबर बनाने के लिए, दोनों समीकरण को किसी अचर संख्या से गुणा कर देंगे। देखो, हमें जरूरत नहीं पड़ी दूसरी, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब मैंने आपको कहा था कि भाई यहाँ पे 5z दे रखा है और 2z दे रखा है। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से, लेकिन हमारे पास जब ऑलरेडी था वही हमारा एक ही इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है, तो हम दूसरी को नहीं करेंगे। तो इसमें यही बात कह रखी है कि समान गुणांक वाले चर होने पर समीकरण में गुणन की आवश्यकता नहीं होती, हम किसी भी एक चर को विलोपित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि एक गुणांक दूसरे का गुणज है तो केवल एक ही समीकरण को गुणा कर सकते हैं। वो कह रहा है कि अगर दूसरे उसका मल्टीपल है, उसके पहाड़े में आता है, जैसे 3 9 के पहाड़े में आता है, 3 9 की टेबल में, सॉरी 9 3 की टेबल में आता है, तो हमें दोनों इक्वेशन को करने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन को उसके इक्वल बना लो और उसको काट पीट लो, ठीक है। अब यही स्टेप लिखे हुए हैं कि दूसरी चर वाले समीकरण पाने के लिए जोड़ लो और घटा लो, तो जोड़ घटाने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन होने चाहिए, अगर कहीं पे भी डिफरेंट साइन है तो आप चेंज कर लो, अगर सेम साइन है दोनों के तो हमें तो माइनस करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट है तो आपका जमा करने से भी काम चल जाएगा। अभी इसके कुछ क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं कि शाम को हम एक वीडियो बना के इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आप मैसेज में लिख सकते हैं, अगर इनफ बच्चों का रिप्लाई आया है तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, सो देट कि ये वाला टॉपिक जो है
प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों की ही प्रैक्टिस की जा सके। तो बच्चों ये है एग्जाम्पल, ये आप खुद समझ लेना क्योंकि एग्जाम्पल है, सॉल्व दिया करके बताया हुआ है। यहाँ पे देखो यहाँ 2x और यहाँ 4x है, तो 2 की टेबल में 4 आता है, तो इसलिए हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 4x इंटू 36y इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया हमारा, ये इक्वेशन आ गई हमारी। तो दोनों को हमने क्या किया, घटा लिया। घटाने के बाद काट पीट के, देखो हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीना 2000 रुपए की राशि निकालने के लिए बैंक में गई। उसने कैशियर से कहा 50 रुपए व 100 रुपए के नोट मांगे। उसके कुल नोट कितने थे, मैं मान लेती हूँ जो 50 रुपए के टोटल नोट थे वो तो एक्स थे और जो 100 रुपए के टोटल नोट थे वो वाई थे। अब ये भी बता दिया कि भी टोटल दोनों नोट मिला के ना 25 नोट है, तो मेरी कितनी होगी इक्वेशन बन गई कि 50 के सारे नोट और 100 के सारे नोट कितने हो गए 25। तो मैंने ये कर लिया नोट, 50 के नोट एक्स हो गए और 100 के नोट वाई हो गए। अब मैं क्या करूँ, वो कह रहा है कि जो नोट है, नोटों की संख्या है, तो मैं कहती हूँ अब जो एक्स है 50x जमा 100y, ये जब मैं इस x को 50 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितनी अमाउंट बनती है, अमाउंट कितनी बनती है 2000 अमाउंट बनती है। ठीक है, 2000 अमाउंट बनती है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या आया था हमारा, देखो नोट एक्स प्लस वाई, यानी कि 50 वाले नोट और 100 वाले नोट, नोटों की संख्या है ये, नोटों की वैल्यू नहीं है, नोटों की संख्या। यानी कि एक तो आप कहो वैल्यू और ध्यान समझो, ध्यान से समझो, मैं कहती हूँ मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, ठीक है, और मेरे पास 50 रुपए के 6 नोट हैं, ठीक है, 5 और 6 हो गए, ये तो 5 और 6 हो गए, लेकिन अगर अब इनकी वैल्यू कितनी है, तो 5 गुणा 10 कितने के हैं, 10 के हैं, 10 रुपए के हैं, 10 गुणा 5 जमा 6 गुणा 50, तब हमें पता लगेगा कि मेरे पास कितने रुपए हैं। ये तो नोट, यानी कि नोट कितने हैं, तो नोट तो है मेरे पास कि वो टोटल नोट कितने हैं, एक्स 50 के इतने हैं और वाई के इतने। अब उनकी वैल्यू कितनी है, 50 गुणा x करूंगी और 100 गुणा y करूंगी तो वो 2000 बनेंगे। तो दो इक्वेशन बन गई, अब इसको एलिमिनेशन मेथड लगा लो। चलो लगा लेते हैं, क्या करें, अब ये तो खाली है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50x जमा 50y, तो 25 गुणा 50 कर लो आप यहाँ पे, 50x जमा 100y 2000 हो गया। अब भाई हमने क्या किया, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि साइन क्या है, सेम है, जब दोनों ही जगह साइन सेम होंगे दोनों इक्वेशन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, यहाँ पे भी साइन बदल जाएगा, यहाँ पे भी साइन बदला जाएगा। अब कई बच्चे जब मैं पढ़ाती थी तो कंफ्यूज हो जाते थे कि मैम ये ऊपर वाला साइन लेना है, नीचे वाला मानना है बेटा, जो चेंज हो गया वो मानना है आपको। तो ये तो कट गया, अब ये माइनस का है तो बड़े का साइन आएगा, 50 में से 100 में से 50 जाएंगे, 50 वाई हो जाएंगे। अब ये मेरा कितना था, इसको ये गुना करोगे तो 1250 होता है, तो 2000 में से घटा लो तो ये आ गया 750। y इज इक्वल टू, एक मिनट पेन चल रहा है, तो ये इज इक्वल टू 50, तो 15, तो ये हो गया हमारा, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई ना। अब क्या करें, क्या सिखाया है, एक वेरिएबल की जब वैल्यू आ जाती है तो दूसरी इक्वेशन में भाग के रख दो। तो यहाँ रख देते हैं पहली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में रख दो, किसकी वैल्यू आई है, एक्स जमा 15 इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू 15 उधर चला जाएगा, 25 माइनस 15 एक्स इज इक्वल टू 10 हो गया, आगे ना वैल्यू एक्स इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू 10 आई। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 15 हो गए टोटल नोट 25। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगर जल्दी जल्दी में क्या होता है कि कई बार ध्यान नहीं रहता और कुछ और लिखा जाता है, तो इतनी छोटी मिस्टेक, वैसे तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप बता दिया करो, हम कमेंट में क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी आज की वर्कशीट हो गई है पूरी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो बच्चों सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो कमेंट